अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल करी डिज़ाइनर। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आज आप लोग को हम बनाना बताएंगे बेडशीट डिज़ाइन, जो बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है। आप लोग इस डिज़ाइन से कुछ भी बना सकते हैं, कुशन कवर, पीलो कवर या फिर बेबी बेडशीट, सिंगल बेडशीट, डबल बेडशीट, आप लोग जो भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग देख सकें हमारी हर नई वीडियो। दोस्तों, अगर आप लोग भी हमसे बेडशीट बनवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को हम इसे बनाना बताते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमने कटे हुए पीसेज जो है ले लिए हैं, हमने बचे हुए कपड़े में से इसी टुकड़े को कट कर लिया है। तो हमने दो कलर यूज़ किया है इसमें, वाइट कलर और ऑरेंज कलर। तो चलिए हम बता दें आपको आपको इस डिज़ाइन में कितना पीस यूज करना है और इसका नाप कितना है, सभी कुछ आपको हम बता दे रहे हैं इसका मेजरमेंट। तो देखिए, हमारा जो वाइट वाला है उसे हमने लिया है 3.5 इंच का, ये हमने लिया है इसमें चार पीस यूज करने वाले हैं। दोबारा से आप देख सकते हैं, ऑरेंज वाला भी हमारा 3.5 इंच का है, इसे भी हमने लिया है 4 पीस। तो ये हमारा दोनों बराबर है। उसके बाद आप लोग को बता दें, हमारा जो वाइट वाला है उसे हमने लिया है 3 इंच का, ये और हमने इसे यूज किया है 8 पीस लिया हमने। और ऑरेंज वाला हमारा 3 इंच का है और इसे हमने लिया है 9 पीस। तो इन पीसों से हमें डिज़ाइन को बनाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा 3.5 इंच वाला है उसे कट करना है, जो 3 इंच वाला है उसे हम किनारे रख देंगे और जो 3.5 इंच वाला है इसे हमें काटना है। तो कपड़े को अच्छे से हमें बराबर करना है, उसके बाद बीचों बीच से इस तरीके से मोड़ना है और ऐसे हमें बीचों बीच से काट लेना है, इस तरीके से हमें कट लगा देना है। फिर ऑरेंज वाला जो हमारा है, दोबारा से देखिए उसी को ऐसे कट करना है बीचों बीच से, इसे भी हम काट लेंगे। तो दोनों पीसेस को हमने ऐसे काट लिया है दोनों कलर का, और जो हमारा 3 इंच का है उसे हमने ऐसे खड़े में है। तो चलिए अब इसे हम स्टिच करना बताते हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम दोनों कलर में से एक एक पीस निकालेंगे और दोनों को ऐसे नीचे ऊपर रख के आपको अच्छे से ज्वाइंट कर लेना है। तो सिलाई आपको बराबर होनी चाहिए, बराबर से आप इसे ज्वाइंट कर लें। तो देखिए दोस्तों, हमने दोनों पीस को जोड़ लिया है, हमारे पीस जो है ज्वाइंट हो चुकी है। इसी तरीके से आपको जोड़ लेना है। तो जो भी हमारे कटे हुए पीसेस हैं सभी को हमें इसी तरीके से, जैसे हमने आप लोग को जोड़ के दिखाया, सभी को ऐसे जोड़ लेना। चलिए हम ज्वाइंट करके आप लोग को दिखा दे रहे हैं। देखिए तो सभी पीसेस जो हमारे हैं जुड़ चुकी हैं, ऐसे ही आप लोग को जोड़ लेना है। सभी पीसेस देख सकते हैं, ऐसे हमने जो कटे हुए पीसेस थे सभी को हमने ज्वाइंट कर लिया है और आपको भी ऐसे ज्वाइंट कर लेना है पहले। तो इसे हम क्या करेंगे, जो ज्वाइंट वाला पीस है इसे हम किनारे रख देंगे और इसे आगे का आप लोग को बता रहे हैं कैसे जोड़ना है। तो देखिए, हम खड़े जो पीस हमारे हैं उसे लेंगे और एक हम ज्वाइंट वाला पीस लेंगे। ऐसे देखिए, आपको ऐसे रखना है, देख सकते हैं आप लोग, ऐसे रखना आपको, ऑरेंज में ऑरेंज मिलाना है, ऐसे हमें ज्वाइंट कर लेना है। तो दोनों पीस को हम पकड़ लेंगे और अच्छे से हमें ज्वाइंट ले लेना है। सिलाई आपकी जो है बराबर होनी चाहिए, बराबर से आप इसे ज्वाइंट करें। तो ऊपर से नीचे तक हमें इसे सिल लेना है। तो देखिए, ऐसे हमने जोड़ लिया है, दो पीस को ऐसे हमें जोड़ लेना है। उसके बाद हम व्हाइट वाला लेंगे और फिर ज्वाइंट वाला पीस लेंगे। तो जिस तरीके से हमने पहले रखा था बिल्कुल उसी तरीके से आपको रखना है, बस कलर जो है ऑरेंज की जगह व्हाइट रखना है। और इन दोनों पीस को हम पकड़ेंगे और इसे भी ज्वाइंट ले लेंगे। तो इसे भी हमें ऊपर से नीचे तक ज्वाइंट ले लेना है। तो इसे भी हमने जोड़ लिया ऐसे। तो दोनों हमारा एक ही तरीके से ज्वाइंट लेना है, बस कलर अलग कर देना है, ऑरेंज की जगह व्हाइट, व्हाइट की जगह ऑरेंज। देखिए, ऐसे हमें दोनों पीस को रखना है। देखिए, एक ही तरीके से हमारा ज्वाइंट है, सिर्फ इस ज्वाइंट वाले व्हाइट वाले को इस तरीके से घुमा देंगे और ऐसे हम देखिए इधर से ऐसे हमें घुमा लेना है। ऐसे देखिए, तो हमारी जो है डिज़ाइन आ जाएगी। ऐसे हमें जोड़ लेना है बीचों बीच, ज्वाइंट में ज्वाइंट मिला करके ऊपर से नीचे तक इसे भी हमें ज्वाइंट कर लेना है। जोड़ते हुए आप लोग ज्वाइंट का ध्यान दें, बीचों बीच जो हमारा ज्वाइंट है वो अच्छे से आपस में जुड़ जाना चाहिए और इस तरीके से हमें ज्वाइंट ले लेना है। तो इस तरीके से देखिए, हमने पीस को तैयार कर लिया है, ऐसे आपको जोड़ लेना है। तो जिस तरीके से हमने आप लोग को जोड़ के दिखाया, उसी तरीके से इन सभी को पीसेस को हमें जोड़ लेना है। तो हमने एक पीस ज्वाइंट कर लिया है, आपको 3 पीस और ज्वाइंट करना इसी तरीके से। चलिए, हम 3 पीस जोड़ के आप लोग को दिखा दे रहे हैं। तो देखिए, हमने 3 पीस को जोड़ लिया है ऐसे। देखिए, यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे 3 और ये हमारा 4। तो 3 हमने आपको एक जोड़ के दिखाया, 3 जोड़ने के बाद दिखाया। तो इस तरीके से 4 पीसेस को हमने जोड़ लिया है। तो ऐसे 4 पीस आपको ज्वाइंट कर लेना है। उसके बाद 4 पीस को एक में कैसे ज्वाइंट करना है वो आप लोग को देखने को मिलेगा।
तो वैसे पहले आप चार पीस तैयार कर लें। तो चलिए इसे हम जोड़ के दिखा दे रहे हैं। व्हाइट वाला लेंगे, उसके बाद हम लेंगे ऑरेंज। दोनों पीस को आपस में जोड़ लेना है, दोनों टुकड़े को, जो हमारा टुकड़ा जो खड़ा था 3 इंच का, उसे हमें लेना है, ऐसे में जोड़ लेना है। दोनों कलर का एक एक पीस लेना है और दोनों को आपस में हमें जोड़ लेना है। इस तरीके से हमें दो पीस तैयार कर लेना है। देखिए दो पीस हमने ऐसे तैयार कर लिया, दोनों कलर का दो पीस जोड़ के। उसके बाद एक हम डिज़ाइन वाला जो हमारा पीस है उसे लेंगे। ऐसे रखना है आपको, देखिए ऑरेंज वाला ऊपर रखेंगे, व्हाइट वाला नीचे, और ज्वाइंट को ज्वाइंट मिला करके अच्छे से ऊपर से नीचे तक हमें ज्वाइंट जो है अच्छे से कर लेना है, सिलाई पूरी कर लेना है हमें। तो एक तरफ हमने सिल लिया है एक साइड, अब दूसरा वाला पीस लेंगे डिज़ाइन वाला, दूसरी साइड रखेंगे। देखिए झुका हमारा दोनों अलग होना चाहिए, और इस तरीके से रख के हम दोनों पीस को ज्वाइंट कर लेंगे। आप लोग दोस्तों देख के भी समझ सकते हैं, हमारा बताने का तरीका और सिलने का तरीका आप लोग देख के भी समझ सकते हैं कैसे हम रख रहे हैं पीस को और कैसे ज्वाइन कर रहे हैं। तो देखिए दोनों पीस को हमने ऐसे जोड़ लिया है, और जैसे हमने इसे जोड़ा एक पीस और हमें ज्वाइन कर लेना है, बिल्कुल उसी तरीके से ऐसे रखना है आपको और ज्वाइन ले लेना है। तो दोस्तों आप लोग अपने पसंद का कलर भी ले सकते हैं, अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं। देखिए दूसरा वाला पीस लेंगे, ऐसे रखेंगे और हम ज्वाइंट कर देंगे। और आप लोग अगर चाहें तो हमारा जो मेजरमेंट है आप लोग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए हमने पहले की तरह इसे भी ज्वाइंट ले लिया है, दो पीस हमारी ज्वाइंट हो चुकी है एक ही तरीके से। इस तरीके से देखिए हमने दोनों को ज्वाइंट ले लिया है। उसके बाद जो हमारे बचे हुए पीसेस हैं देखिए यहाँ पे, उन सभी को हमें जोड़ना है। तो पहले ऑरेंज वाला लेंगे, उसके बाद वाइट वाला, फिर दोबारा से हमें ऑरेंज लेना है, उसके बाद वाइट, वाइट वाला पीस लेंगे, फिर इस बार हमें ऑरेंज लेना है। तो इस तरीके से हम पांच टुकड़ों की जो है हम पट्टी को तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा पांच टुकड़ा है, 3 ऑरेंज है और 2 हमारा वाइट है। तो ऐसे हमने पीस को तैयार कर लिया। फिर एक डिज़ाइन वाला पीस लेंगे, उसके बाद पट्टी को रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे हम ज्वाइंट लेंगे, सभी ज्वाइंट में मिलाते हुए ऊपर से नीचे तक ऐसे हम ज्वाइंट ले लेंगे। इसे आपको रखना है पट्टी को डिज़ाइन के ऊपर, और ऊपर से नीचे तक आपको सिलाई कर लेना है, और ज्वाइंट जो है ज्वाइंट मिला करके अच्छे से आपको सिलाई कर लेना है। तो देखिए दोस्तों एक तरफ हमने सिलाई ले लिया है, और दूसरी तरफ भी हमें सिलाई ले लेना है। जो हमारे डिज़ाइन वाली पीस है उसे लेना है और ज्वाइंट कर लेना है। देखिए दूसरा वाला पीस लेंगे, उसको भी ऐसे ही रखेंगे, और इसे भी हम ज्वाइंट को ज्वाइंट मिला करके ऊपर से नीचे तक सिलाई को ले लेंगे। तो आप लोग ज्वाइंट पे ध्यान दें, ज्वाइंट को मिलाते हुए ज्वाइंट में और बराबर से सिलाई जो है ऊपर से नीचे तक लेना है। तो देखिए दोस्तों हमने इसको भी ज्वाइंट कर लिया है, तो जो हमारी डिज़ाइन है अच्छे से जुड़ चुकी है। तो सभी पीसेस को हमने जोड़ लिया है, जो भी हमारे कटे हुए पीसेस थे देख सकते हैं आप लोग, सभी पीसेस को हमने ज्वाइंट कर लिया है, और जो हमारी डिज़ाइन है बनके तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लग रही है, कलरफुल कलर भी खिल रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है हमको भी। तो आप लोग भी ट्राई करें बनाएं। तो अब हमें क्या करना है, इसे प्रेस करेंगे हम डिज़ाइन को। प्रेस करने के बाद आप लोग को दिखा दे रहे हैं कैसे हमारी डिज़ाइन बन के आ रही है। तो देखिए दोस्तों हमने डिज़ाइन को प्रेस कर लिया, अच्छे से हमारी जो सिलाई है बैठ चुकी है। तो दोस्तों आपको कैसे ज्वाइंट करना है, पीसेस को ऐसे तैयार कर लेना है और पट्टी लगा करके सभी पीसेस को ज्वाइंट कर लेना है, जो भी आप बेडशीट बनाना चाहते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो जितना बड़ा हमारा डिज़ाइन वाला पीस है उतना आप प्लेन भी कर सकते हैं, प्लेन एक प्लेन रख के एक डिज़ाइन, एक प्लेन एक डिज़ाइन रख के भी ज्वाइंट कर सकते हैं, नहीं तो आप पट्टी भी लगा करके ज्वाइंट कर सकते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लगेगी। आप लोग एक पीस प्लेन लगाएं या एक पीस डिज़ाइन इसी के बराबर कट कर लें,
और नहीं तो आप लोग पट्टी लगाकर भी ज्वाइंट कर सकते हैं और आपकी बेडशीट जो है बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों आपको ऐसे ही पहले पीस को तैयार कर लेना है, उसके बाद आपस में ज्वाइंट कर लेना है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी और डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाएँ, वहाँ आपको बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे। और हमारा एक फर्स्ट चैनल भी है, उसका नाम है कि अब सिलाई सेंटर, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ भी हम बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो डालते रहते हैं, आपको बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएंगी, तो आप लोग जाएं और वहाँ से भी वीडियो को देखें। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आप पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक रखें हमें दुआओं में याद, अपना और अपनों का रखें खूब ज़्यादा ख्याल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।